मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की पुलिस ने 10 लाख रुपए बाजार कीमत की स्मैक के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक सतीश उर्फ भूरा शर्मा के खिलाफ ग्वालियर जिले के अलावा भिंड और मुरैना में एक दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने के लिए तस्कर सक्रिय हैं और इसके लिए व्यापक पैमाने पर मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर सिरोल थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 98 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। कल पुलिस ग्वालियर और क्राइम ब्रांच द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत लगातार जो अवैध मादक पदार्थ का विक्रय कर रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है, इसमें सफलता मिली हुई है और एक आरोपी को 100 ग्राम स्नैक के साथ करीब 10 लाख रुपए कीमती स्नैक के साथ पकड़ा है। पुलिस ने इसके साथ केस दर्ज किया है। आरोपी ग्वालियर के ही किलागेट क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों का काम कर रहा था। 2-3 बार पहले ही प्रयास किए थे लेकिन नहीं पकड़ पाया था। अब ये कहाँ से स्नैक लेके आता है और किन लोगों को बेचता है, इसके घर पे भी हम दबिश दे रहे हैं और पता लगा रहे हैं।